जब से विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार हुआ है, तब से सारे विपक्षी नेता इंडिया इंडिया करने लगे हैं। लेकिन विपक्ष के इस गठबंधन को योगी आदित्यनाथ ने डॉट डॉट गैंग का नाम दिया है। वजह ये कि इस गठबंधन के नाम में हर शब्द के बाद एक डॉट लगाया गया है, जैसे आई के बाद डॉट, एन के बाद डॉट, डी के बाद डॉट, आई के बाद डॉट और फिर ए के बाद भी डॉट। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने इसे डॉट डॉट गैंग कहते हुए संबोधित किया, जिसे लालू यादव से ममता बनर्जी तक इंडिया कहते हैं। लालू यादव को बस गठबंधन से इतनी चाहत है कि कैसे भी विपक्ष की सरकार बन जाए और केस मुकदमों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन छुटकारा मिलना तो दूर, ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार को तगड़ा झटका देते हुए करीब 6 करोड़ की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। इस प्रॉपर्टी में तेजस्वी यादव का डी ब्लॉक वाला महल भी है, जिसे महज कुछ लाख रुपए में खरीदा गया था। ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार की लिस्ट में गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति को शामिल किया। जानकारी के अनुसार ईडी ने पटना स्थित बिहटा, महुआबाग, दानापुर में संपत्ति को अटैच किया और इसके अलावा ईडी ने यूपी में लालू यादव की बेटी हेमा यादव की संपत्ति को अटैच किया है। खबर है कि ईडी ने बहुचर्चित तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी को भी अटैच किया है। ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार की संपत्ति तीसरी बार अटैच की है और इस बार उनकी गाजियाबाद और बिहार की भी संपत्ति को शामिल किया गया। पटना जिले के बेहटा, महुआ बाग और दानापुर की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कसा। ईडी ने बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी को भी अटैच किया। जानकारी के अनुसार अटैच संपत्तियों की कीमत 6 करोड़ 2 लाख रुपए आंकी गई है, हालांकि बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। 10 मार्च 2023 को लालू यादव के 15 ठिकानों ईडी ने एक साथ छापेमारी की थी और उस वक्त लालू यादव के रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली गई थी। तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बंगले पर ईडी ने छापा मारा था। उस वक्त तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने कई आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।